हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है हितेश कुमार। तो आज की वीडियो में फिर से एक देवी धाम में लेकर आए हैं। ये है माँ करियामपाट, जो राजनांदगांव जिला के छुया तहसील से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर भी अगर आप आते हो तो यहाँ पर एक गांव है लाम मेटा करके। बोर्ड लगा हुआ है, ये जो गांव है वो लाम मेटा करके है और माँ करियामपाट का यहाँ पर मंदिर है। तो यहाँ पर समतल ज़मीन पर यहाँ छोटा छोटा मंदिर बना हुआ है माता रानी का, और यहाँ से पहाड़ी का एक रास्ता जाता है जहाँ पर इसका जो पहले प्राचीन जो स्थान है वो पहाड़ी के ऊपर है और उसके नाम से यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। तो अगर आप जो राजनांदगांव का तहसील है छुरिया वहाँ से आते हो तो आपको 3 किलोमीटर पड़ेगा, और यहाँ पर आप ज़रूर आइए और माता रानी के दर्शन कीजिए। तो चलिए आपको माता रानी के दर्शन कराता हूँ, आपको यहाँ के जो मंदिर हैं उनको मैं दिखलाता हूँ। तो सामने ही एक माँ करियामपाट का मंदिर है, और चलिए हम दर्शन करते हैं। बाहर ही इन नगाड़ा वगैरह रखा होगा जो पूजा वगैरह में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो ज़मीन के पास ही लगा हुआ एक मंदिर है, और यहाँ पर जो खासकर करियामपाट बाबा जी का जो प्राचीन जो निवास स्थान था वो यहाँ पहाड़ी पर बताया जाता है। तो उनका जो प्रतीक है एक घोड़े के रूप में पूजा किया जाता है। यहाँ पर एक घोड़ा का देख सकते हो मूर्ति बने हुए हैं जिसे करियामपाट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर माता दुर्गा का पूजा किया जाता है। तो ये बहुत सारे यहाँ पर घोड़ा और माता रानी का जो त्रिशूल है उसका यहाँ पर ये रखा हुआ है। तो मंदिर के अंदर हूँ, आप देख सकते हो किस तरह का है। और ये करियामपाट का जो मंदिर है उसके आसपास ही इस तरह का बहुत सारा यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, और यहाँ पर अगर आते हो तो आप पूरे मंदिर के दर्शन आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से रास्ता है पहाड़ी के तरफ जाने के लिए, तो पहाड़ी में जाकर भी आप माता जो करियामपाट है वहाँ का आप दर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने करियामपाट का जो मंदिर है वो देखा, आप रोड से लगा हुआ है वो मंदिर जो लाम मेटा में है। तो यहाँ पर ये पहाड़ है, यहाँ पर भी मंदिर है, तो यहाँ से रास्ता है और यहाँ से हम सीढ़ी के सहारे पहाड़ के ऊपर जाएंगे और वहाँ भी मंदिर है, तो वहाँ का ही भी आपको हम नज़ारा दिखाएंगे। तो चलते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देख सकते हो माँ करियामपाट, और यहाँ से ये रास्ता है, यहाँ से हम चलेंगे मंदिर के लिए। दोस्तों, आप अगर रोड के पास जो मंदिर है उसे अगर देखोगे तो वहाँ पर छोटा छोटा मंदिर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर यहाँ देख सकते हो विशाल एक पहाड़ है, वहाँ पर है माता जी का मंदिर। तो यहाँ भी चलते हैं और देखते हैं माता जी के हम दर्शन करते हैं। ये भी मंदिर का ही एरिया है करियामपाट का। तो यहाँ भी उतना ज़्यादा सीढ़ी नहीं है, मंदिर तो कुछ दिखाई दे रहा है, तो लगता है कि ज़्यादा हाइट नहीं है मंदिर का। और तो आप यहाँ पर देख सकते हो नवरात्रि के कारण सीढ़ियों में पोताई है, उसका काम जारी है। मंदिर को सुंदर ढंग से अभी सफाई किया जा रहा है, अब धीरे धीरे मंदिर और भी सुंदर लगेगा जब कलर वगैरह होगा। तो हम पहुंच चुके हैं, ऐसा देखें इस तरह का एरिया है मंदिर का, और यहाँ पर जो जो मंदिर है उसको मैं दिखलाने का कोशिश करता हूँ। जिस तरह का मंदिर नीचे है माता करियामपाट का, उसी तरह का यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, तो आने वाले जो श्रद्धालु है वो माता रानी के दर्शन पहाड़ के ऊपर में भी कर सकते हैं, और यहाँ पर माता रानी का झूलना भी बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो मंदिर है दोस्तों, ये माता करियामपाट का है, और यहाँ पर घोड़े का बहुत सुंदर ये मूर्ति यहाँ पर बना हुआ है, और एक छोटा सा ये मंदिर बना हुआ है, और इसके अंदर है माता दुर्गा का अंदर में मूर्ति बनाए गए हैं। तो यह है माता दुर्गा, जिसे करियामपाट के रूप में
जाना जाता है। माता जी का जो पूजा आराधना है वो माता करियाम पाठ के रूप में किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो झूला बनाया गया है ये माता रानी के लिए बनाया गया है, जिसमें माता रानी के चरण पादुका रखा हुआ है। और यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर माता रानी को आप झूला झूला सकते हो। तो आप ये जगह देख रहे हो, यहाँ पर करियाम पाठ बाबा जी यहाँ पर बैठकर तपस्या करते थे, तो बहुत पुराना स्थान है। उसके बाद आप माता दुर्गा के यहाँ पर मंदिर बन चुका है। और दोस्तों यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है जहाँ से आप जाके यहाँ जो पहाड़ी का नज़ारा है उसे आप देख सकते हो। तो चलते हैं यहाँ से और हम आपको पहाड़ी का नज़ारा दिखलाने का कोशिश करते हैं। ये दो पहाड़ है और इसके बीचों बीच हमें चलना है। देखो किस तरह से जुड़ा हुआ है और अंदर खोल है। तो यहाँ पर ये देखिए पत्थरों के बीचों बीच तो आ गए, लेकिन ये बहुत विशाल एक चट्टान है और इसके नीचे थोड़ा सा जगह है बैठने के लिए। तो अगर यहाँ पर अगर कोई बैठता है तो इससे यहाँ पर अगर बारिश भी होता है तो उससे लोग बच सकते हैं। बहुत सुंदर स्थान है ये भी, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और ये पहाड़ का छोटा सा खोल बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ से जस्ट नीचे खाई है, नीचे गहरा है और यहाँ पर पेड़ पौधे, इस कारण से पूरा एरिया अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। तो दूसरे जगह से मैं दिखलाने का कोशिश करूँगा कि कितना अच्छा लगता है अगर आप इस पहाड़ से नीचे का जब नज़ारा देखते हो। यहाँ से हम लोग दूसरे तरफ गए थे, वहाँ का भी दृश्य काफ़ी अच्छा था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ भी कुछ खोल बना हुआ है और यहाँ भी अंदर जाने का रास्ता है, वो भी पहाड़ों के बीचों बीच होते हुए। ये देखिए यार कितना थोड़ा थोड़ा ही सटा हुआ है एक दूसरे से। और अगर आप यहाँ अंदर जाओगे तो देखोगे तो हैरान हो जाओगे किस तरह से छोटे छोटे चट्टान आपस में टिके हुए हैं। और देखिए कितना बड़ा बड़ा चट्टान है और यहाँ पर, और यहाँ इसको तो देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गिरने वाला है। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है और यहाँ से ऊपर चढ़ने का हम कोशिश करते हैं कि ऊपर से नज़ारा हम देख सकें। गए हैं ऊपर नज़ारा देखने के लिए और यहाँ से अगर एरिया देखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ पर से वो देखिए वहाँ पर कुछ मैदानी इलाका दिखाई दे रहा है जहाँ पर गाय वगैरह चारा चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ से ऊपर से। और कुछ इस एरिया में अभी नहीं है, हम लोग जो शहर है जो गांव है उससे काफ़ी दूर आ चुके हैं। और इस चट्टान के अंदर से आपको मैं दिखलाता हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। इधर से खाई गया है नीचे और उधर खाई है, यहाँ से रास्ता बना हुआ है, लेकिन काफ़ी डेंजर है दोस्तों। अगर नई जगह में आते हो तो सावधानी के साथ रहना पड़ता है और बहुत ही दुर्गम इलाका है और चारों तरफ अभी आपको घने जंगल और पहाड़ ही आपको दिखाई देते हैं। और यहाँ पर से एक तालाब दिखाई दे रहा है। इस जो पहाड़ का हाइट है वो कम है, ज़्यादा हाइट नहीं है। और यह जो पहाड़ी है माता करियाम पाठ उनके नाम से काफ़ी फेमस है और यहाँ अगर माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं लोग तो इस पहाड़ में ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों इस पहाड़ी में बहुत छोटे छोटे खोल बने हुए हैं जिसमें रास्ता है छोटा छोटा, जहाँ पर आप एक जगह से घुसकर उसके जस्ट दूसरे साइड भी निकल सकते हो, लेकिन अभी उतना ज़्यादा इसे साफ सफाई नहीं किया गया है तो जाना थोड़ा डेंजर है। दोस्तों तो आपने इस वीडियो में देखा जो करियाम पाठ है उसे अभी माँ करियाम पाठ के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले के जो लोग हैं वो बताते थे कि इस जगह को बाबा करियाम पाठ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर पहले जो बाबा रहते थे करियाम पाठ उसका स्थान है ऐसा बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी माता दुर्गा को यहाँ पर पूजा जाता है और बाबा करियाम पाठ का भी निवास स्थान बताया जाता है। तो
वीडियो बहुत ही अच्छा था दोस्तों, और यहाँ का जो लोगों से हमने यहाँ के बारे में जानकारी भी लिया तो काफ़ी ज़्यादा इस जगह के बारे में रस्सियों से भरा है। काफ़ी बड़े बड़े खोल बताए जाते हैं इसके नीचे और बहुत पुराना है इसका इतिहास। तो दोस्तों, यह जो करियाम पाट का मंदिर है, यहाँ पर नवरात्रि के समय पर भव्य मेला लगता है, जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर भंडारा का भी आयोजन होता है, जहाँ पर आने वाले लोग इसका आनंद लेते हैं और माता रानी का यहाँ पर सेवा भजन तो होता ही रहता है। तो आप भी आइए करियाम पाट और दर्शन कीजिए करियाम पाट माता रानी के और करियाम पाट बाबा के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।